नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मजे में हो और मस्त हो। जैसे कि शनि देव राहु के निशत्तर सत्विषा में प्रवेश कर चुके हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शनि जो राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं उसका तुला लगन या तुला राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तुला राशि सातवीं राशि होती है, जो सातवीं राशि तुला राशि होती है, और किसी कुंडली के पहले घर में अगर सात अंक हो तो उसका लगन तुला बनता है, वो तुला लगन होता है। तुला लगन या राशि वालों की कुंडली में जो शनि होते हैं वो एक तो चौथे घर के मालिक होते हैं, चौथे घर में मकर राशि आ गई, और एक पांचवें घर के मालिक होते हैं, पांचवें घर में कुंभ राशि आ गई। चौथा घर कौन सा होता है? केंद्र का। और पांचवा घर कौन सा होता है? त्रिकोण का। केंद्र के मालिक भी शनि हो गए और त्रिकोण के मालिक भी शनि हो गए, इसलिए तुला लगन की कुंडली में शनि देव अति शुभ ग्रह बन जाते हैं, अति राजयोग ग्रह बन जाते हैं, अति उत्तम ग्रह बन जाते हैं, बहुत शुभ राजयोग ग्रह बन जाते हैं शनि देव तुला लगन की कुंडली के लिए। तो अब ये स्थिति बनी हुई है कि शनि देव कुंडली के पांचवें घर में अपनी घर में अपनी राशि में स्थित हैं, और क्योंकि राहु के नक्षत्र में है इसलिए राहु की स्थिति देखनी भी बहुत जरूरी है। राहु मेष राशि में सप्तम भाव में स्थित है। अब शनि देव की दृष्टियों की बात कर रहे हैं, शनि देव की तीन दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और दसवीं। तीसरी दृष्टि देखें, एक दो तीन, जब तीसरी दृष्टि पड़ रही है भाई, वो नीच की राहु पर पड़ रही है, राहु सातवें भाव पर पड़े हैं। अगली देखिए, चार पांच छ सात, सातवीं दृष्टि ग्यारहवें घर पर लाभ के घर पर पड़ रही है, आठ नौ दस। ये जो दसवीं दृष्टि पड़ रही है वो धन के घर पर पड़ रही है, दूसरे घर पर पड़ रही है। अब राहु पर शनि की तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही है। राहु क्या है? एक छाया ग्रह है, एक मायावी ग्रह है, मगर यह शनि के एजेंट है, शनि के पर्सनल असिस्टेंट है, शनि के मुख्य सलाहकार है, लेकिन इस समय इनके ऊपर शनि का नीच प्रभाव चल पड़ गया, तो शनि और राहु के बीच एक कोल्ड वार शुरू होगी, बीचों बीच एक दूसरे को दुखी करने वाला काम, ऐसा काम शुरू हो गया, एक कोल्ड वार शुरू होगी शनि और राहु के बीच, जिसके कारण तुला लगन व राशि वाले जातकों को मान सम्मान तो इनका बढ़िया रहेगा, मान सम्मान तो उनका रहेगा, मित्रों में जश भी बहुत फैलेगा, मित्र बढ़ेंगे भी बहुत, सोशल सर्कल भी फैलेगा, नौकरी भी अच्छी चलेगी, धंधा व्यापार सब कुछ अच्छा चलेगा। तुला राशि वाले जातक या लगन वाले जातक जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम धंधा करते हैं, बहुत बढ़िया चलेगा, धन पैसा भी अच्छा आएगा, मगर खर्च भी काफी करवाएगा, ये राहु मेष के नक्षत्र में शनि खर्चा ज्यादा करवाएगा, खर्चे को बढ़ाएगा, खर्च काफी करवाएगा। ये तो शनि राहु एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, ये पति पत्नी के बीच रिलेशंस को प्रभावित करेंगे, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है तुला लगन या राशि वाले के लोगों के लिए। अगर पति का लगन या राशि तुला है, जब पत्नी की लगन या राशि तुला है, तो इनके संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। क्या कारण रहेगा खटास आने का? एक दूसरे के दिमाग में जो चल रहा है वो दोनों को उल्टा लगेगा, चाहे बंदा ठीक सोच रखता हो अपने पार्टनर के लिए, अगर पति हो तो पत्नी के लिए ठीक सोच रखता होगा, पत्नी होगी तो पति के लिए ठीक सोच रखती होगी, मगर तुला लगन राशि वाले को लगेगा कि ये मेरे लिए सोच ठीक नहीं रख रहे हैं, उनको उल्टा लगेगा,
इसलिए इनको सलाह दी जाती है कि ये आपस में मधुर संबंध बनाकर रखें, 14 अक्टूबर तक बिल्कुल शांत रहें, एक दूसरे से मधुर संबंध बनाकर रखें, तभी घर में शांति का माहौल रहेगा और दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, नहीं तो दोनों की हेल्थ प्रभावित हो सकती है। तुला लग्न राशि वाले जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो एक दूसरे से थोड़ा सुचेत होकर रहे, अपने पार्टनर से थोड़ा सुचेत होकर रहे, उस पर थोड़ा ध्यान रखें, कोई सीरियस बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें कि दूसरा पार्टनर उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, काम धंधा कैसे कर रहा है, पैसों का हिसाब किताब कैसे रख रहा है। देखिए जो तुला राशि का चिन्ह होता है वो एक तराजू होता है, एक बैलेंस होता है, तराजू होता है, और इसका एक पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाए या थोड़ा सा हल्का हो जाए तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए इस समय राहु के कारण आपको सलाह दी जाती है कि छोटी छोटी बातों की टेंशन ना लें, छोटी छोटी बातों को ना सोचें, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सिर्फ छोटी छोटी टेंशन रहेंगी जिसके कारण आपकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपका पेट खराब रह सकता है, जिसके कारण शरीर में प्रॉब्लम रह सकती है, सिर दर्द हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम रह सकती है। इसलिए टेंशन बिल्कुल ना ले लें क्योंकि यह समय आपके लिए अच्छा है, माड़ा नहीं है, खराब नहीं है। इस समय के दौरान कोई रिश्तेदार अगर ऊंचा भी बोल जाए तो आप बिल्कुल शांत रहें, और एक चमत्कार देखेंगे यार कि कुछ ही समय में उसको अपने आप कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से उसकी बदतमीजी की सजा मिल जाएगी, आप अपनी आंखों के सामने देखोगे उसको उसकी बदतमीजी की सजा मिलते। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि शनि जो राहु के नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं उनका तुला लगन या राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने इतना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।